पतंग एक रूप के पीछे पागल हो जाता है और अग्नि में अपने शरीर को सुहा कर देता है, जल करके नष्ट हो जाता है, प्राण त्याग देता है केवल रूप के पीछे, उसकी सौंदर्यता के पीछे। मतंग हाथी जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी है, सबसे भारी भरकम काया वाला प्राणी है। धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्म का तीसरा लक्षण है दम। दम का अर्थ होता है दमन। दमन किसका करना? हमारा मन, चित्त और इंद्रियां, विषयों का मनन, चिंतन और अनावश्यक जो सेवन करती है उसको, इन विषयों से मुक्त रखना, इसको कहते हैं दमन। इंद्रियों के सहारे ही शरीर जीता है, जीने के लिए इंद्रियों का सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन जो अनावश्यक इसका सेवन, चिंतन और मनन करके केवल संसारिक विषयों में ही अपने मन चित्त को लगाए रखना, इसको कहते हैं इंद्रियों का अनावश्यक सेवन करना। श्री प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी के किताब में गुण फिराए का प्रकरण लिखा है, उसमें जो हमारे गुण अंग इंद्रियां हैं, यही यदि सकारात्मक पक्ष की ओर चलें, हमारा मन ब्रह्मचिंतन, ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प करें, हमारी इंद्रियां उसको पाने की चेष्टा करें और चित हमेशा ब्रह्मचिंतन में लीन रहता है, तो ऐसी आत्मा, ऐसा व्यक्ति संसार में महान व्यक्तित्व के रूप में उभर के निकलता है, वो अध्यात्म के ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो यही इंद्रियां है, यही शरीर है, धर्म का साधन भी है, ये दो धारी तलवार है। अगर इसका दुरुपयोग किया जाए, अनावश्यक सेवन किया जाए, तो मनुष्य संसार की ओर प्रवृत्त होता है, जो एक सत्य से बहुत दूर हो जाता है, और इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से, इसी मन के सहारे यदि ब्रह्म चिंतन और तत्वज्ञान की स्वाध्याय की ओर चले, तो उसको एक सत्य की प्राप्ति हो सकती है। उपनिषदों में इस विषय में कई जगह पर विवरण आता है, और महाराज मनु ने भी मनुस्मृति में एक जगह कहा, एक एक विषयों का सेवन करने वाला प्राणी उन विषयों के सेवन के पीछे अपने प्राणों का बलिदान करता है, तो मनुष्य पांचों इंद्रियों का सेवन करने वाला बिचारा, इसको कौन बचा सकता है। इसको उदाहरण के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, पतंग, मतंग, कुरंग, भृंग, मीणा। पतंग एक रूप के पीछे पागल हो जाता है और अग्नि में अपने शरीर को सुहा कर देता है, जल करके नष्ट हो जाता है, प्राण त्याग देता है केवल रूप के पीछे, उसकी सौंदर्यता के पीछे। मतंग हाथी जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी है, सबसे भारी भरकम काया वाला प्राणी है, लेकिन वो स्पर्श के सुख के पीछे कुछ शिकारी एक हथिनी का रूप बना करके, उसका चित्र बना करके रख देते हैं, और उस स्पर्श के सुख के पीछे उस शिकारी के चंगुल में पड़ता है और हमेशा बंधन में आ जाता है, और किसी के बंधन में रह करके अपने प्राणों को त्यागता है। इसी प्रकार से मछली एक जिभ्या के रस के पीछे कांटे को निगलती है और अपना प्राणों का बलिदान करती है, प्राण त्याग देती है, अपने जीवन से हाथ धो देती है। इसी प्रकार भौंरा फूल का रस लेने के लिए एक फूल में प्रविष्ट हो जाता है और
सायंकाल में जैसे ही फूल बंद होने लगता है तो उस फूल में बंद हो करके वो भी अपना प्राण त्याग बैठता है, अंदर ही बैठ करके उसके बंधन में आ जाता है। इसी तरीके से मनुष्य पांचों विषयों का सेवन करता है। एक विषय को सेवन करने वाला प्राणी यदि इससे नहीं बच सकता तो पांचों विषयों को सेवन करने वाला मनुष्य कैसे बच सकता है। हालांकि मनुष्य एक चेतन प्राणी है, समझदार प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। उसको यदि सत्य ज्ञान मिल जाए, सत मार्गदर्शक मिल जाए तो आत्मचिंतन करके, आत्म मनन करके इन विषयों के अनावश्यक सेवन से बच सकता है। इंद्रियों, ये पांच इंद्रियां मनुष्य को दी है, इन पांच इंद्रियों को सेवन करके प्रसन्न होने वाला और इन पांचों इंद्रियों के सेवन के अभाव में जो अप्रसन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो मनुष्य हमेशा बंधन में रहता है। लेकिन इन विषयों से परे होकर के जो अंतर्मुखी बनता है वो मनुष्य महान हो जाता है, ऐसा हमारे ऋषियों का कथन है। तो इन विषयों को सेवन करने से यदि हम माया के बंधन में पड़ जाते हैं तो इन्हीं विषयों को यदि सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, सत ज्ञान प्राप्त हो जाए, सत मार्ग प्राप्त हो जाए तो यही इंद्रियां, यही शरीर हमें ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कराता है। यही शरीर हमारे लिए अध्यात्म के सर्वोपरि मंजिल तक ले जाता है। ऐसा कहा जाता है मनुष्य परमात्मा की दूसरी कृति है। सभी प्रकार की योनियों में मनुष्य सर्वोत्तम योनि में है। इस योनि में ही सद्बुद्धि को प्राप्त करके, सत संगति को प्राप्त करके गुरु के सानिध्य में तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के शरण में आकर के उसके प्रकाश में हम अपने मन, चित्त और इंद्रियों को ब्रह्म चिंतन की ओर लगाएं और ब्रह्म चिंतन के द्वारा हम अंतरात्मा की ओर प्रविष्ट हो जाएं, हम अपनी आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करें और हमारी आत्मा का मूल क्या है उस ब्रह्म की साक्षात्कार करें और उस ब्रह्मपुरी का साक्षात्कार करके हम इसी मन, शरीर और इंद्रियों के सहारे ही इस संसार में बैठे बैठे अध्यात्म की सर्वोपरि मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा करने में सफल हो गए तो हमने अपने इंद्रियों को, हमने अपने मन को और हमने अपने चित्त में मायावी चिंतनों को अलग करके ब्रह्म तत्व में हमने एकनिष्ठ करके उनके चरणों में लगाया, ऐसा माना जाता है। इसके अभाव में हम उससे दूर हो करके कहीं यदि केवल संसारिक विषयों का ही चिंतन, मनन और अनावश्यक सेवन करते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को कभी भी दम की ओर यानी दमन करके एक सत मार्ग की ओर नहीं ले जा सकते और यही इंद्रियां हमें एक बाधक बन जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको सम्मिलित।